हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे हमारा फोर्थ लेक्चर, जिसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा वर्जन हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉइड। इससे प्रीवियस लेक्चर की सीरीज में हम हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉइड के बारे में जान चुके हैं कि एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाने वाले कौन लोग थे और इतनी हमारी जो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रमोट हुई है मार्केट में वो किसकी बदौलत से हुई है। गूगल जो हमारी कंपनी है, एंड्रॉयड को गूगल ने प्रमोट किया है और उसके अंडर जो ओपन हैंडसेट अलायंस नाम का जो ग्रुप था, जिसमें अप्रोक्स 87 कंपनियां उसके अंदर थी, जिनकी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग थी, अलग अलग नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट थी, तो इन सभी कंपनीज ने प्लस गूगल ने एंड्रॉयड को प्रमोट किया, जिससे एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज मोबाइल की प्रोग्रामिंग में इतनी पॉपुलर है, राइट। तो दोस्तों, आज हम एंड्रॉयड की कुछ वर्जन हिस्ट्री की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि वर्जन क्या चीज होता है, राइट। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था आपको कि सुपोज हमारी कोई कंपनी है, हम आप लोगों में से कोई कंपनी चलाता है और आपने अपना कोई बिजनेस मॉडल सोच रखा है, आपने अपना बिजनेस मॉडल सोचा, आपने उसका टेक्निकल आर्किटेक्चर भी बना डाला, राइट। अब आप डेवलपर्स हायर करते हैं, उस बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट कराते हैं, आपके इन्वेस्टर्स वगैरह सब कुछ आपका रेडी हो गया, अब बस इम्प्लीमेंट कराना है और मार्केट में लॉन्च करना है, राइट। ये मैं आपको कुछ वर्जन से रिलेटेड आपको बात बता रहा हूँ, जिससे आपको ये चीज आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि क्यों एंड्रॉइड्स के मार्केट में इतने सभी वर्जन्स है, 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, ये क्यों है। तो यही चीज मैं आपको एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सपोज दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट भी बन गया और हमने क्या किया मार्केट में, जब हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हम एक उसको किसी वर्जन्स के साथ उसको निकालते हैं, ठीक है। वो वर्जन क्या होता है दोस्तों, सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लॉन्च किया, प्रोडक्ट का नाम मैंने कुछ भी रखा, सपोज एबीसी 1.0 ये करके मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब क्या है कि जब मैंने मार्केट में इसको लॉन्च किया तो जो कस्टमर्स है, ठीक है, जो क्लाइंट जो है, उनके रिव्यूज हमारे पास आने लगे कि आपकी इस प्रोडक्ट में ये कमी है, ठीक है, आप इसको दूर कीजिए, इन फ्यूचर में आपका ये काफी आगे अच्छा जाएगा। तो उन सभी जो रिव्यूज है उनको हम कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम अपने जो डेवलपर्स होते हैं उनसे उन रिव्यूज पे इम्प्लीमेंट कराते हैं, देन एक अलग वर्जन देके लाइव करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो उससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि यस, कि प्रीवियस वर्जन के अंदर ये प्रॉब्लम थी जिसको इस वर्जन के अंदर नेग्लेक्ट किया गया है, राइट, मतलब इम्प्रूव किया गया है, मेरा मतलब है इम्प्रूव किया गया है, राइट। तो कुछ ऐसे ही एंड्रॉइड के भी वर्जन के पीछे हिस्ट्री है कि क्यों वन बाय वन वर्जन्स मार्केट में आते गए, तो इसका मतलब कोई ना कोई नए नए फीचर्स के साथ ही आए होंगे, राइट। तो आज हम सबसे पहले एंड्रॉइड के वर्जन की हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं वर्जन की नेमिंग, जैसा कि मैंने आपको अभी ही एक रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से साथ बताया है। दोस्तों, आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी नाम से निकाल सकते हो, आप पे डिपेंड है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस नाम से निकाल रहे हो। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, आपने एंड्रॉइड के मार्केट में बहुत से वर्जन्स देखे होंगे जो कि डेजर्ट्स जो होते हैं हमारे उनके साथ है, डेजर्ट्स को हम बोलते हैं स्वीट मिठाई, ठीक है, आपने देखा होगा कप केक के नाम पे है, इक्लेयर के नाम पे है, डोनट के नाम पे है, फ्रोयो के नाम पे है, हनीकॉम के नाम पे है, राइट। तो ये सभी डेजर्ट्स है, उसके बाद एंड्रॉइड के वर्जन है, वो आप पे डिपेंड है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस नाम से मार्केट में लॉन्च कर रहे हो। सेम गूगल ने भी कुछ ऐसा ही किया, राइट, क्योंकि गूगल मार्केट में ये दिखाना चाहता था कि एंड्रॉइड के जो डेवलपर है, जो वो प्रोग्रामिंग करते हैं और जब वो अपनी एप्लीकेशन को लाइव करते हैं तो इट्स अ स्वीट,
जो यूजर के एक्सपीरियंस को अगर देखते हुए देखा जाए तो उसको बिल्कुल स्वीट बना देते हैं। आज जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस है, जितने भी एप्लीकेशंस के अंदर हमारे फीचर्स लगे हुए हैं, तो किस तरीके से यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है उन फीचर्स को लेके, उन एप्लीकेशंस को लेके कितना स्वीट होता जा रहा है, राइट? तो यही गूगल एक्सप्लेन करता है, दीज डिवाइसेस मेक आवर लाइफ सो स्वीट, तो ईच एंड्रॉयड वर्जन इज नेम्ड आफ्टर अ डेजर्ट, राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एंड्रॉयड के यहाँ पर आपको जितने भी वर्जन्स मिलेंगे आपको डेजर्ट प्रीफिक्स लगा होगा, आफ्टर डेट एंड्रॉयड का वर्जन आपको शो होगा, राइट? तो आज हम ये तो क्लियर हुआ आपको वर्जन की नेमिंग, राइट? तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड का फर्स्ट वर्जन, जिसमें हम बात करते हैं एंड्रॉयड 1.0। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अभी मैंने आपको बोला कि डेजर्ट के नाम पे पहले डेजर्ट आएगा, उसके बाद एंड्रॉयड का वर्जन आएगा, राइट? आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, बट इन्होंने शुरुआती में एंड्रॉयड 1.0 एंड एंड्रॉयड 1.1 इन्होंने कोई डेजर्ट के नाम पे ये चीज नहीं निकाली थी। इन्होंने कब के से स्टार्ट किया था? और एक चीज और बता दूं दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने जब एंड्रॉयड के वर्जन को निकाला तो उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मैनेज किया, लाइक सी डी ई एफ एच जी एच आई जे के, इस फॉर्म के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने डेजर्ट प्लस एंड्रॉयड के वर्जन का नाम दिया। तो एंड्रॉयड 1.0 एंड एंड्रॉयड 1.1 तक इनका कोई भी ऐसा कुछ विचार नहीं था डेजर्ट का। जब एंड्रॉयड 2.0 कपकेक आया तब इन्होंने सोचा कि हाँ हम लोग अब आगे जो जितने भी वर्जन्स निकालेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड 1.0 एंड एंड्रॉयड 1.1 तक इनके इतने कंपेटिबल हो गए थे कि अब इनके पास वो सारी चीज है कंपेटिटर के कंपैरिजन की अगर हम बात करें, तो इन्होंने अब अपने डेजर्ट्स के साथ हर एक चीज को निकाल दिया था, राइट? तो दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो सबसे पहला एंड्रॉयड जो मोबाइल हमारा मार्केट में आया था वो सितंबर 2008 के अंदर आया था, जिसका मैंने नाम लिया था HTC ड्रीम, जो टी मोबाइल के शेप में था, राइट? मैंने आपको उसकी पूरी हिस्ट्री भी बताई थी, उसके बिहाइंड क्या हिस्ट्री थी। दोस्तों सितंबर 2008 से पहले भी एक वर्जन था जो गूगल मार्केट में लॉन्च करने वाला था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि उसकी लॉन्चिंग से पहले ही एप्पल वालों ने अपना वर्जन लॉन्च कर दिया था वर्चुअल कीबोर्ड के साथ, टच स्क्रीन के साथ, राइट? तो इन्होंने गूगल ने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करी और इन्होंने फिर HTC ड्रीम, जिसमें इन्होंने क्वाट्री कीबोर्ड प्लस टच स्क्रीन दोनों ही चीज के साथ विथ फीचर्स, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं जीमेल, ठीक है, 2008 में ही ये फीचर आ गया था, गूगल कॉन्टेक्ट्स, कैलेंडर, मैप्स, सिंक, सर्च, वाईफाई, SMS, ब्लूटूथ, अलार्म, मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर, सेटिंग, कैलकुलेटर, डायलग डायलर, ये सभी चीजें हमारी एंड्रॉयड 1.0 के अंदर आ गई थी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये जो एंड्रॉयड 1.0 का जब बीटा वर्जन मार्केट में लॉन्च हुआ, राइट, आपको ये चीज तो जरूर पता ही होगी, दो तरीके के वर्जन होते हैं, एक अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा वो होता है जब हम जैसे डेवलपर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, तो एक अल्फा वर्जन होता है जो टेस्टिंग पे दिया जाता है, टेस्टिंग के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, हम दोबारा मार्केट में अभी लॉन्च नहीं हुआ, सब कुछ इम्प्रूव होने के बाद फिर एक बीटा वर्जन निकाला जाता है जो मार्केट में प्ले स्टोर पे आपका लाइव हो जाता है, राइट? तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एंड्रॉयड 1.0 के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स थे, इन फीचर्स को कुछ लोगों ने पसंद भी किया और कुछ लोगों ने इसके बारे में फीडबैक भी दिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों ने फीडबैक दिए, वो फीडबैक लोगों ने दिए फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए कि हाँ ये जो एंड्रॉयड का आपने 1.0 वर्जन निकाला है HTC ड्रीम के साथ, ये आगे जाके आपका काफी पॉपुलर होने वाला है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे ड्रॉबैक्स है, आप इसे इम्प्रूव कीजिए और अपना नेक्स्ट वर्जन निकालिए, राइट?
जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसटीसी ड्रीम जो था हमारा वो 2010 के अंदर डिसकंटिन्यू हो गया था, राइट। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्जन की। जब हम कस्टमर्स के रिव्यूज आए, उनके रिव्यूज को देखा गया, उनके रिव्यूज पे काम किया गया, हमारी डेवलपमेंट टीम ने काम किया और एक नया वर्जन मार्केट में बीटा वर्जन निकाला एंड्रॉइड 1.1 के नाम से। फरवरी 2009 में ये वर्जन लॉन्च हो गया था। तो 2008 के भी सभी फीचर्स, मेरा मतलब है एंड्रॉइड 1.0 के भी सभी फीचर प्लस एक्स्ट्रा ये फीचर भी मार्केट में लॉन्च किए गए। कौन से डिटेल्स एंड रिव्यू अवेलेबल व्हेन यूजर सर्चेस फॉर बिजनेस ऑन मैप, राइट। अभी क्या होता है कि जब हम कोई बिजनेस, ठीक है, कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ हम मैप पे सर्च मारते हैं तो उनकी डिटेल्स तो आती है प्लस उनके रिव्यूज भी आते हैं। तो पहला ऐसे नहीं था 1.0 की अगर मैं बात करता हूँ, राइट। तो इसमें इस चीज को इम्प्रूव किया गया। दूसरा, एबिलिटी टू शो हाइट डायल पैड, ये भी देखने को मिला। एबिलिटी टू सेव अटैचमेंट इन मैसेज, जैसा कि आप देखते हो अपने मैसेज में एज अ टेक्स्ट आप लिखते हो और उसको सेव कर सकते हो एज अ ड्राफ्ट, तो आपको वो फीचर भी एंड्रॉइड 1.1 के अंदर मिला, राइट दोस्तों। तो यहां से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां से वो आपके डेजर्ट, वो आपके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं वो आपके आते हैं, जिसमें से पहला आपका स्टार्ट होता है सी से, कप केक, राइट। 1.5 वर्जन दोस्तों, अप्रैल 2009 के अंदर ये एंड्रॉइड का कप केक 1.5 वर्जन मार्केट में लॉन्च हुआ। इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिले, इट मींस एंड्रॉइड 1.0 के साथ साथ एंड्रॉइड 1.1 के साथ साथ 1.5 में भी एक्स्ट्रा फीचर्स हमें देखने को मिले। वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर हमें देखने को मिला जो हमारे एंड्रॉइड कप केक 1.5 के अंदर आया था, राइट। ऑटो पेयरिंग मीन्स आप अपने मोबाइल को पेयर कर सकते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, ठीक है। आप जो चीज आपके मोबाइल्स में सॉन्ग्स है आप उनको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सुन सकते हो, पेयरिंग कर सकते हो, राइट। ऑटो रोटेशन जो हमें देखने को मिली वो हमें कपकेप के अंदर मिली, कि आप अपने स्क्रीन को अगर लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करते हो तो उसमें में आपका स्क्रीन का साइज वैसे ही हो जाए। एनिमेटेड स्क्रीन ट्रांसैक्शन, जब आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्विच करते हो तो ट्रांसैक्शन जब होती है एक एनिमेटेड फॉर्म में होती है, तो वो यहाँ आपको देखने को मिला। यूजर डिक्शनरी कॉपी पेस्ट का जो फीचर्स आपको ब्राउजर पे देखने को मिला यहाँ एंड्रॉइड कपकेक 1.5 के अंदर, राइट। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो 1.0 से, 1.1 से और 1.5 के अंदर कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सी के बाद हमारा स्टार्ट होता है डी, इट मींस डोनट 1.6 वर्जन। ये दोस्तों सितंबर 2009 के अंदर लॉन्च हुआ। देखो दोस्तों, 2009 के अंदर ही हमारा 1.1 लॉन्च हुआ, ठीक है, 1.5 हमारा लॉन्च हुआ और 1.6 भी हमारा लॉन्च हुआ। तो देखो कितना मार्केट में मतलब कंपटीटर था, क्योंकि गूगल ये जानता था कि अगर एंड्रॉइड की मार्केट आपको रखनी है, ठीक है, अपने इन फ्यूचरली मार्केट अगर आपको रखनी है तो जो कंपटीटर है आपके साथ उनको आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, ओवरटेक आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप जाके एंड्रॉइड की मार्केट को सक्सेस दिला सकते हो। तो इन्होंने 2009 में ही लॉन्च कर दिया डोनट। इसमें क्विक सर्च बॉक्स की आपको फंक्शनैलिटी मिली, जिसमें आप डायरेक्ट सीधा, जैसे आप देखते हो आपकी होम स्क्रीन पे ही सर्च आया, आपने टाइप किया, एंटर किया और वो सर्च आपको डायरेक्ट वेब ब्राउजर पे आपको ले जाता है। स्क्रीन साइज की डाइवर्सिटी भी आपको, स्क्रीन साइज से रिलेटेड भी आपको कुछ फीचर्स यहाँ मिले। और गूगल प्ले, ठीक है, जो गूगल प्ले जो थर्ड पार्टी, यहां से गूगल प्ले की जो चीजें आई हमारी प्ले स्टोर की, जो थर्ड पार्टी एंड्रॉइड को डाउनलोड करती थी और उसको इंस्टॉल करती थी, यहां से वो फीचर आया हमारा। और डिलीट मल्टीपल फोटो बाय सिलेक्टिंग, यहां से ये फीचर हमें देखने को मिला कि आप मल्टीपल फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। इम्प्रूव कैमरा परफॉर्मेंस, ठीक है, तो कैमरे की परफॉर्मेंस को भी यहां पर इस वर्जन के अंदर डोनट में काफी इम्प्रूव किया गया, राइट दोस्तों। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वर्जन की, इक्लेयर। डी के बाद आया ई, एंड्रॉइड इक्लेयर 2.1 वर्जन। देखिए दोस्तों, इसको भी 2009 अक्टूबर में लॉन्च कर दिया। यहां हमें क्या क्या देखने को मिला एज कंपेयर टू अदर वर्जन,
गूगल मैप नेविगेशन देखने को मिला, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट, आप कुछ बोलते हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, वो चीज हमें देखने को मिली। एनिमेटेड लाइव वॉलपेपर आपने देखा होगा, आप अपनी होम स्क्रीन पे एक एनिमेटेड वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर लगाते हो, वो चीज हमें यहाँ देखने को मिली। जूम फंक्शनैलिटी ऑन ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर पे आप जूमिंग इन जूमिंग आउट ये सभी करते हो, वो यहाँ हमें देखने को मिली। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, आप अपनी होम स्क्रीन को जिस तरीके से कस्टमाइज करते हो यहाँ हमें देखने को मिली। तो ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन हमें यहाँ ये फीचर्स मिले। अब हम बात करेंगे अगले वर्जन की, फ्रोयो की, ठीक है, ई के बाद आया एफ, फ्रोयो 2.2 वर्जन। तो ये 2010 मई में लॉन्च हुआ। यहाँ हमें क्या क्या चीजें मिली, वॉइस एक्शंस की हमें मिली, बोल के हमें रिजल्ट मिलता है। पोर्टेबल हॉटस्पॉट का फीचर, देखिए दोस्तों, हॉटस्पॉट जो हम बनाते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को या अपने मोबाइल डिवाइसेस के साथ जो कनेक्ट करते हैं, यहाँ वो चीज हमें देखी। और तीसरी परफॉर्मेंस, इट मींस परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ अब देखते जाना। फ्रोयो से अप टू जितने भी हमारे वर्जन आएंगे उसमें परफॉर्मेंस देखना कि हर एक के अंदर फीचर परफॉर्मेंस का डाल रखा है। यहाँ परफॉर्मेंस दोस्तों हमारी बैटरी से है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि एंड्रॉयड ने जब अपने, अगर मैं फ्रोयो के प्रीवियस वर्जन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बैटरी की लाइफ को देखते हुए कुछ नहीं देखा, उन्होंने सीधा एप्लीकेशंस बनाई, ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से बैटरी को उनकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर रही है, तो इन्होंने अपने नेक्स्ट वर्जन के अंदर बैटरी को देखते हुए अब जितने भी, मतलब हमारे फ्रोयो से अब कुछ जितने वर्जन हमारे आएंगे वो बैटरी को ही लेके आएंगे कि किस तरीके से हम इन चीजों की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बैटरी के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, राइट दोस्तों। तो अब आपको अगला वर्जन मिला एफ के बाद जी, जिंजर ब्रेड 2.3 वर्जन, जो दिसंबर 2010 के अंदर लॉन्च हो गया था, राइट। यहाँ आपको गेमिंग एपीआई आपको मिले, जिसमें आप एंड्रॉइड में गेम्स बनाते हो। एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, दोस्तों नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसमें सपोज आप की दो आपका दो पोर्टेबल डिवाइस है, एक आपका स्मार्टफोन है, एक आपका ब्लूटूथ है, राइट, जैसा कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, एक स्मॉल डिस्टेंस के रूप में, तो वो एनएफसी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। बैटरी मैनेजमेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होनी है ना कि डिग्रेड होनी है, वो चीज देखी। और दोस्तों फ्रंट कैमरा जो आजकल काफी कल्चर बन चुका है सेल्फी का, ठीक है, वो भी हमारा जिंजर ब्रेड के अंदर ये फीचर आया था फ्रंट कैमरा का, राइट। अब हम अपने अगले वर्जन की तरफ चलते हैं, हनीकॉम जी के बाद एच आता है, हनीकॉम 3.0 वर्जन 2012 के अंदर ये आपका लॉन्च हो गया था। यहाँ पर टैबलेट फ्रेंडली डिजाइन की फैसिलिटी आपको दी गई, ठीक है, क्विक सेटिंग जिसमें आप डायरेक्टली सीधा डायरेक्ट आप पहुंच जाते हो सेटिंग वाले पेज के ऊपर, तो वो फंक्शनैलिटी आपको मिली, राइट। उसके बाद आता है आइसक्रीम सैंडविच 4.0 वर्जन, दोस्तों इसने बहुत ज्यादा सक्सेस बटोरी, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक इसने राज किया और इसमें बहुत से फीचर्स हमारे इसके अंदर आए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंड्रॉइड का जो पावरफुल वर्जन जो निकला वो आइसक्रीम सैंडविच है, जिसने बहुत लंबे समय तक राज किया और इसमें बहुत से फीचर्स आ गए। क्योंकि दोस्तों अब आप खुद देखो, एंड्रॉइड 1.1 से लेकर एंड्रॉइड हनीकॉम के 3.0 तक हमने ये सारी चीजें, सारे फीचर्स तो हमारे आ ही गए थे, परफॉर्मेंस भी हम देखते गए बैटरी के ब्याप पे, और आइसक्रीम जो सैंडविच था यहाँ पर तो इम्प्रूवमेंट दिखानी ही दिखानी दी। जैसा कि 2012 में अक्टूबर ये लॉन्च हुआ, कस्टमाइज होम स्क्रीन, बिल्कुल आप अपनी होम स्क्रीन को वेल तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, जिस तरीके से आपको एप्लीकेशन या आपको जो भी लगाना है, क्विक सेटिंग या जो सब कुछ है, बिल्ट इन फोटो एडिटर, ठीक है, ये जो हम फोटो कैमरे से क्लिक करते हैं और उसको हम एडिट करते हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह देते हैं, वो हमारा सैंडविच के अंदर आया। कैमरा इंप्रूवमेंट विद एक्स्ट्रा फीचर्स, बिल्कुल आप जानते हो। और एक दोस्तों रिसेंट एप्लीकेशन फीचर्स, ये बहुत अच्छी चीज है जो आइसक्रीम सैंडविच के अंदर आई है हमारी। जैसा कि आप सपोज 5 एप्लीकेशंस आप ओपन करते हो और आपने उन 5 एप्लीकेशन को पॉज कर रखा है और आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो,
ठीक है, तो आप जो बटन होता है, ठीक है, आई थिंक थर्ड बटन होता है जिसमें आप अपनी रिसेंट ऐप देख सकते हो कि आपने रिसेंटली ऐप कौन कौन सी चला रखी है। आप चाहते हो तो उसको रिसेंटली में आप टैप करके उससे इंटरेक्ट भी हो सकते हो, और आप चाहते हो तो उसको स्वाइप करके मैन्युअली आप उसको टर्मिनेट भी कर सकते हो। तो रिसेंट एप्लीकेशन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये फीचर काफी अच्छा आ गया था। और एक है डेटा यूजेस कंट्रोल, ये नाम से ही पता चल रहा है कि आप डेटा की लिमिट लगा सकते थे यहाँ पर, तो ये फीचर भी काफी अच्छा आया। एंड्रॉइड जेलीबिन 4.1 वर्जन, इसने भी काफी अच्छी अपनी सक्सेस बटोरी। जुलाई 2012 में ये लॉन्च हुआ। गूगल नाउ का इसके अंदर फीचर आया। एक्शनेबल नोटिफिकेशन, यहाँ पर जब कोई नोटिफिकेशन हमारे फोन के नोटिफिकेशन ड्रॉअर के अंदर आती है, तो नोटिफिकेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल हम देखते हैं, तो वो फीचर यहाँ आया। और दोस्तों तीसरी चीज, अकाउंट स्विचिंग, ये भी काफी अच्छा फीचर देखने को मिला जेलीबीन के अंदर। अकाउंट स्विचिंग फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि जैसे सपोज हमारा एक मोबाइल है, राइट, अब हम चाहते हैं कि सपोज हमारा जो एक मोबाइल है वो मैं भी यूज करता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स भी उसको यूज करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक होम स्क्रीन जो अलग अकाउंट रहे, और फैमिली मेंबर्स अगर उनको यूज करते हैं तो उनका एक अलग अकाउंट रहे, तो अकाउंट स्विचिंग का फीचर भी यहाँ पर काफी खूबसूरती से दिया गया दोस्तों, राइट। अब हम बात करेंगे अपने एंड्रॉइड किटकैट 4.4 वर्जन की, जो अक्टूबर 2003 के अंदर लॉन्च हुआ, जिसमें वॉइस, अगर मैं ओके गूगल, अगर एज कंपेयर टू एप्पल के शीरी की बात करूं, तो वो फीचर यहाँ दिया गया। इमर्सिव डिजाइन एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन, यूआई को देखते हुए काफी अच्छा डिजाइन यहाँ रखा गया। स्मार्ट डायलर, जैसे कि आप देखते हैं डायलर कितना स्मार्ट हो चुका है एज कंपेयर टू प्रीवियस। वायरलेस प्रिंटिंग का यहाँ पर फीचर दिया गया एंड्रॉइड। और दोस्तों ये चीज और देखो, एंड्रॉइड रन टाइम फ्रॉम डेलवे, इट मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने टेक्निकल आर्किटेक्चर बताया था कि एंड्रॉइड, अब जो एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन चलती है बिहाइंड द सीन वो एंड्रॉइड रन टाइम एनवायरमेंट में चलती है। जो इससे प्रीवियस वर्जन थे हमारे किटकैट से वो सभी चलते थे डेलविक वर्चुअल मशीन पे। परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई तो रन टाइम एनवायरमेंट भी आया, राइट। अब हम बात करते हैं किटकैट के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है हमारा एल, एंड्रॉइड लॉलीपॉप 5.0 वर्जन, नवंबर 2014 के अंदर ये हमारा लॉन्च हुआ। इसमें भी काफी सक्सेस बटोरी है। मटेरियल डिजाइन की फंक्शनैलिटी इसमें दी है, राइट, यूआई को देखते हुए, यूआई के एक्सपीरियंस, यूजर के एक्सपीरियंस को देखते हुए कि किस तरीके से कैसे एक अट्रैक्टिव लुक एंड फील की डिजाइन हमें रखनी है, वहां मटेरियल डिजाइन का कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला। मल्टी स्क्रीन का फीचर निकाला, नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, जो नोटिफिकेशन हमारी आती थी वो लॉक स्क्रीन पे भी आजकल आप देखते हो देखने को मिलती है। और चौथा फीचर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, इम्प्रूव बैटरी परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन भी देखी कि किस तरीके से हम बैटरी की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। एंड्रॉइड लॉलीपॉप के बाद हमारा आया एंड्रॉइड मार्शमेलो 6.0, अक्टूबर 2015 के अंदर ये हमारा लॉन्च हो गया था, ठीक है। बेटर असिस्टेंस, मोर ऑप्टिमाइज यूज ऑफ बैटरी, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और दोस्तों ये देखिए, इसका सेकंड फीचर है इजी परमिशन, राइट। एंड्रॉइड लॉलीपॉप से पहले जितने भी हमारे वर्जन होते थे, मार्शमेलो से पहले जितने भी हमारे वर्जन होते थे, वो दोस्तों क्या होता था कि हम मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाके अपनी परमिशन सेट करते थे, और वो परमिशन खुल पूरी एप्लीकेशन के लिए यूजेस होती थी। ये तो गलत है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मैं अपने इस एप्लीकेशन के इस पार्ट ऑफ के अंदर अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करना चाहता हूं, तो वहां पर वो आपसे अलाउ या डैनी की परमिशन आपसे मांगेगा, आप दोगे तो उस टाइम के लिए आप हो। अब फिर अदर किसी एप्लीकेशन और पार्ट के अंदर अगर आप चाहते हो कि मैं इस परमिशन को नहीं लेना चाहता, मैं उसे मतलब डिसअलाउ करना चाहता हूँ, मतलब बिहाइंड द सीन जहां पर भी आप अपनी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं वहां आप परमिशन को यूज करना चाहते हैं वहां आप कीजिए, अगर जान नहीं चाहते तो वहां आप नहीं कीजिए, राइट। तो इजी परमिशन काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आया, यहाँ फीचर आया दोस्तों। एंड्रॉइड नोगट 7.0 वर्जन अगस्त 2016 के अंदर ये एंड्रॉइड नोगट हमारा लॉन्च हुआ। जूम स्क्रीन की, किसी भी स्क्रीन को आप जूम करके देख सकते हो, ये फीचर नोगट में देखने को मिला। इम्प्रूव जीआईटी कंपाइलर, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है जीआईटी की फुल फॉर्म होती है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, तो कंपाइलर के हैंड पे भी इसको काफी इम्प्रूव किया गया। और दोस्तों डे ड्रीम
वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों ये चीज मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि जो गूगल ने वर्चुअल रियलिटी इट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक वर्ल्ड फेमस कंपनी है जिसको गूगल ने अडॉप्ट किया, ठीक है, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए। तो आगे जाके गूगल ने कुछ सोचा होगा कि मैं आगे जाके अपने फ्यूचर में कुछ वर्चुअल रियलिटी से कुछ टेक्नोलॉजी पे मैं हम काम करेंगे। तो अभी फिलहाल ये काम किया नहीं, इस फीचर इस कंपनी को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। तो गूगल कुछ फ्यूचरली कुछ वर्चुअल रियलिटी पे, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे कुछ वर्क करना चाहती है। और दोस्तों ये है हमारा मार्केट में आया हुआ नया वर्जन एंड्रॉइड ओरियो 8.0 वर्जन। तो टिल नाउ एंड्रॉइड ओरियो 8.0 वर्जन अभी तक हमारा मार्केट में है बीटा वर्जन। अगस्त 21, 2017 में ये लॉन्च हुआ, राइट दोस्तों। बट दोस्तों इस ये जो अभी अपडेट जो आई है किसी अदर स्मार्टफोन पे नहीं आई, लाइक अगर हम सैमसंग की या एलजी की अगर हम बात करें या जो भी स्मार्टफोन है, अभी ये जो चल रहे हैं दोस्तों ये गूगल पिक्सल के ऊपर चल रहे हैं। इसमें क्या क्या फीचर देखने को हमें मिलते हैं, लाइक बूटिंग टाइम, ठीक है, जब आप जैसे गेट स्टार्टेड ऑन योर फेवरेट टास्क, सपोज आप किसी टास्क को या किसी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हो तो बिहाइंड द सीन जो बूटिंग टाइम होता है उस परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन काफी परफॉर्मेंस को फास्ट रखा है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप फोन को स्विच ऑफ या रिस्टार्ट करते हो तो वर्किंग मोड पे काफी जल्दी आ जाएगा, ठीक है, ये फीचर अडॉप्ट किया एंड्रॉइड ओरियो में, ठीक है, देखने को मिला। और दूसरा, मिनिमाइज बैकग्राउंड एक्टिविटी, राइट, जैसे कि आप बहुत सी एक्टिविटीज, बहुत सी एप्लीकेशन जब आप चला देते हो, ठीक है, तो उसमें जो बैकग्राउंड एक्टिविटी मैनेजर है, ठीक है, वो उन सभी एक्टिविटीज को मैनेज करेगा जिससे आपकी बैटरी की लाइफ की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहे, राइट। और ऑटोफिल की फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, जैसा कि आप देखते हो फेसबुक पे, आप देखते हो जीमेल पे, आप देखते हो जब आप लॉगिन या पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देते हो अपने अकाउंट को, फिर आप लॉग आउट करते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप डालते हो तो कोई एक मैनेजर, कोई क्लास होती है जो आपकी प्रीफिल्ड, आपकी ऑटोफिल, आप जैसे ही जैसे आपने कोई ईमेल आईडी बनाई तो आपने अपना फर्स्ट लेटर आपने टाइप किया तो वो आपको दिखा देता है, उसके साथ साथ आपको ऑटोफिल में पासवर्ड भी आपको दिखा देगा और आप सीधा लॉगिन कर सकते हो। तो ये फंक्शनैलिटी भी यहाँ पर देखने को मिली जिससे आपका जो रिस्पांस टाइम है वो काफी अच्छा रहे। और दोस्तों पिक्चर इन पिक्चर, ये भी बहुत अच्छा फीचर है पिक्चर इन पिक्चर। दोस्तों अभी तक क्या होता है कि जैसे आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, ठीक है, या आप कोई वीडियो चैटिंग या कुछ ऐसा करते हो तो क्या होता है कि आप एक एक्टिविटी पे बंध के रह गए, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरी वीडियो भी चलती रहे और प्लस मैं बिहाइंड द सीन अपना अनादर वर्क भी करता रहूं, तो वो फीचर भी हमें यहाँ देखने को मिला। और नोटिफिकेशन के ऊपर भी कुछ वर्क किया गया जिसमें आप इजिली बबल्स जो डॉट्स होते हैं नोटिफिकेशन वो आपको दिखाई देंगे, क्विकली आप देख सकते हो उनको क्लिक करके और आप उनको स्वाइप करके क्लियर भी कर सकते हो। लास्ट जो फीचर हमें देखने को मिला इसके अंदर, बहुत से फीचर्स है, ये जो टॉप फीचर्स है वो मैंने यहाँ मेंशन करे है, एंड्रॉइड इंस्टेंस है। अभी तक आप क्या करते हो कि प्ले स्टोर या ब्राउजर पे जाते हो, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, पूरा वो प्रोसीजर होता है, बट यहाँ वो चीज भी आपको देखने को मिलेंगे, टेलीपोर्ट डायरेक्टली इनटू न्यू ऐप, ठीक है, डायरेक्टली इनटू न्यू ऐप राइट फ्रॉम योर ब्राउजर, नो इंस्टॉलेशन नीडेड, ये भी बहुत अच्छा फीचर है। ऐसे बहुत से फीचर है जो हमें देखने को मिलेंगे और कुछ हमारे जो डिवाइसेस पे आने में जो ये अपडेट्स है ओरियो की, कुछ टाइम भी लग सकता है, 3 मंथ भी लग सकते हैं, 4 मंथ भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। तो ये हमारा कुछ लेटेस्ट ओरियो 8.0 वर्जन है मार्केट में अभी तक। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यदि आपको लगता है आपको कोई इस लेक्चर से रिलेटेड कोई बात डिटेल में मुझसे पूछनी है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एंड्रॉइड लेक्चर के सीरीज के वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा इसकी अपडेट जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। थैंक यू दोस्तों।